औरत के साथ हर तरह का मजालिम ढाने को तैयार है, उसका हक मारने को तैयार है, और उसके हक के लिए ना यहाँ कानून कुछ करता है ना कोई लॉ बनाता है, बस औरत जूतियां रगड़ती है कोर्ट कचहरी में या फिर वो अपने माँ बाप के घर में जाके उनको जहनी मरीज बनाती है। या तो ये मैं आपसे गुजारिश कोई नहीं सुनना चाहता है, मेरे हिसाब से जरा जास्ती है। गवर्नर साहब सुनते, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ना। अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मेरी गलती क्या? बराबर ना? आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? मैं तो चौंक गया हूँ सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूँ। मेरी बात को याद रखें और लिख के रखें अपने पास, अपने तमाम गुस्से के बावजूद, कि 30 अक्टूबर तक डॉक्टर साहब के जब ये सारे ड्रामे जारी रहेंगे तो डॉक्टर साहब की ब्रांड पावर बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो चुकी भी होगी। और ये हमने नहीं करना, ये डॉक्टर साहब खुद कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि इसके साथ क्या क्या होगा। देखते चले जाएं कि क्या होता है 30 अक्टूबर तक, ज़रा ख्याल रखिएगा। गया, आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है? छक्का, बराबर ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज़ है जो हम यूज़ करते हैं। अरे के जाहिल। अरे एक मिनट भाइयों, एक मिनट थमो, अभी कहाँ जा रहे हो भाई? अभी तो शुरुआत हुआ है वीडियो का, अभी मजा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि आपको पता है जब ये भगोड़ा नायक पाकिस्तान जा रहा था तो ये पाकिस्तानी इतने खुश हो रहे थे कि भाई कितना बड़ा अब्बू हमारा आने वाला है। लेकिन आज यही जाकिर नायक पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है, सबसे बड़ा सिरदर्द। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद देखो, ये पाकिस्तान में जाके भाई पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी पहले से ही आपको पता है ना कि मतलब जाहिल टाइप के लोग हैं, इनको और पक्का ठोक ठोक के जाहिल बना के आएगा। ये महिलाओं के बारे में क्या क्या बकवास कर रहा है पाकिस्तान में खड़े होके, आप खुद देखें। पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। ये बेशरम, बेहिस। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास ही नहीं। आई थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर अ कंट्री के स्टेट गेस्ट को बुलाया आपने और वो आकर मुल्क में ये फरमा रहे हैं कि हर वो औरत बाजारी है जो कि कुवारी है, यानी कि वो शादी करने को चूज़ नहीं कर रही डेलिब्रेटली। ये वो मुल्क है जहाँ पर मादर मिल्लत यानी कि मदर ऑफ़ द नेशन पाकिस्तानी उस खातून को कहते हैं फातिमा जना साहिबा को जिन्होंने शादी नहीं की, ठीक है। तो इसको बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन दैट वी फॉलो, और इस पर क्रिटिसिज्म और इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि हर वो खातून जो शादी नहीं करती उसको बाजारी औरत कह दिया जाए। दिस शुड बी अनएक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेट्स इन द वर्ल्ड एंड दिस शुड हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय एटलीस्ट एनीवन इन द गवर्नमेंट। नहीं हुआ, बट आई फेल्ट रियली रियली हर्ट ऑन दीज रिमार्क्स। खैर देखो, ये महिलाओं के बारे में तो बकवास कर ही रहा है, पाकिस्तानियों को जाहिल तो बनाएगा, लेकिन इसको एक हिंदू लड़के ने और भगवान श्री कृष्ण के बड़े परम भक्त लड़के ने इसको भाई ऐसा धोया था कि इसको मतलब जिंदगी भर याद रखेगा। आपने वो जो श्लोक जो कॉट किया ना कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करते तो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतो ना प्रेतो ना क्या बोलते है कि जो पितर है जो मेरे एंसेस्टर है उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमी गॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवद गीता कहती है कृष्ण की पूजा करते। भूत परस्ती गलत है, मानते हो? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूं। उसका मतलब भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा कि भगवत गीता में लिखा बुध परस्ती खराब है। मैंने नहीं कहा सर। अरे आपके आपके स्वामी प्रभु पता नहीं कहे डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड्स, सॉरी, ओनली कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे उसमें लिखा है आइडल वर्शिप ऑल्सो। यस, मैं डेमीगॉड्स की वर्शिप नहीं करता ना। आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं?
आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्णा। मैं आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अभी हम बहस नहीं करें, बराबर, ये डिबेटिंग टाइम नहीं है। अच्छा सर, सॉरी। आप अगर बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे। चलिए ठीक। आप ये मानते हैं कि डेमी गॉड की पूजा करना का, आप करते क्या? मैं बात ही क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डेमी गॉड की पूजा नहीं करता। भाई साहब, मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, आप मुझसे डिबेट करना चाहते क्या? ये रूल को तोड़ना सच अच्छी बात है। आप हमारे रूल को तोड़े कर तोड़े क्या नहीं? नहीं नहीं सर, अभी आप बोले मैं सुनूंगा। तोड़े क्या? हाँ क्या नहीं? तोड़े क्या नहीं? तो देखा दोस्तों आपने, मतलब कि ये लड़का, मतलब इसको काउंटर कर रहा तो इसकी फट गई। क्यों भाई, काउंटर क्यों नहीं करना ये दे रहा? क्योंकि तेरी फट जाएगी, तेरे पास में जवाब नहीं रहेगा, इसलिए काउंटर नहीं करने दे रहा उसको। बोल रहा है कि तू मेरे नियम को तोड़ रहा है। तेरा कौन सा नियम है भाई? तू कौन है? तू वहां पे बकचोदी पहल रहा है, वो तुझको काउंटर भी नहीं करेगा। तू उसके धर्म के बारे में बकवास कर रहा है, वो तुझे काउंटर भी नहीं करेगा, तुझे जवाब भी नहीं देगा। ये है इनकी औकात। बाकी औकात वाली बात याद आई तो मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया की भी औकात बता देता हूँ आपको। एक मुस्लिम लड़के को इन लोगों ने हिंदू लड़का बना दिया। हिंदू बना के उसको, मतलब मीडिया पे दिखाया गया, देखो हिंदू लड़का कन्वर्ट हो गया, मुस्लिम बन गया, खुद देखो। मैं हिंदू था, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया डॉक्टर साहब के हाथों। तकरीब में शरीक इंशाद यूसुफ ने डॉक्टर जाकिर नायक की गुफ्तगू पर इस्लाम कबूल कर लिया। ये खबर गलत है। मेरा नाम मोहम्मद इंशाल यूसुफ है, मैं कराची का रिहायशी हूँ। अभी जो रिसेंटली डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो कराची में स्पीच थी, उसका मैं हिस्सा बना और मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किए। मैं स्कूल लाइफ से एक एथियस्ट की लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन मैंने समटाइम्स बहुत कोशिश की कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा मजमा था और मैं कम उम्र हूँ और आप सब जानते होंगे ये बात कि मजमे में सवाल करना, और आई थिंक मेरे लिए वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सामने सवाल करना, तो थोड़ा सा अल्फाजों का चुनाव मुझसे गलत हो गया था और आई थिंक उस सवाल में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। बहुत सी खबरों में लिख दिया गया कि मैं हिंदू था, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया डॉक्टर साहब के हाथों। तो मुझे इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये खबर इस कदर मिस इंटरप्रेट की जाएगी। चले सोशल मीडिया ने तो जो फैलाया सो फैलाया, वो वैलिड सोर्सेज इतने हैं नहीं, लेकिन उनको देखकर मुझे अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में, उन्होंने कैसे सुबह के 8 बजे उन्होंने बुलेटिन चला दी मेरा नाम कर, और बहुत से जगहों पर तो मेरा नाम तक गलत लिखा गया है और मेरी तस्वीर लगा दी गई है और हिंदू मुझे कंसिडर किया गया। खैर देखो, पाकिस्तानी तो जाहिल है ही है, उनको तो मतलब अपने आवाम को बस एक चूरन चटाना है कि भाई देखो हम कितने ऊपर हैं, हिंदू ईसाई सिख ये कुछ भी नहीं है, इनको तो यही दिखाना है कि हिंदू कन्वर्ट हो गया मुस्लिम हो गया। लेकिन ये जाकिर नायक भाई साहब पाकिस्तान को और बर्बाद करने के लिए गया है। ये भाई साहब बर्बाद करके आएगा पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों का माइंड सेट ऐसा करके आएगा, पहले से ही जाहिल है और जाहिल बन जाएंगे। ये यूट्यूब की इनकम के बारे में क्या बोल रहा है आप खुद देखें। गुज़िश्ता 48 घंटों में डॉक्टर साहब ने जो लतीफ़े पाकिस्तान में सुनाए, उनमें से एक लतीफ़ा ये भी है कि यूट्यूब की सारी कमाई जो है वो हराम है, और वजह उसकी उन्होंने ये बताई क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इश्तिहार तो होते ही हैं, इश्तिहार होंगे तो उनमें लड़कियां होंगी, लड़कियों से जान नहीं छोड़ाई जा सकती, सो यूँ लड़कियाँ जो हैं वो कोई बड़ी नजस नापाक किस्म की खौफनाक किस्म की चीज़ हैं, वो 50% आबादी का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर लॉजिक ये है डॉक्टर साहब के सिंपलटन माइंड की, तो फिर पूरी की पूरी टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है वही हराम हो गई, वही हलाल ना हुई। तो क्या डॉक्टर साहब बहुत मुद्दतों पहले हिंदुस्तान के अंदर टेलीविज़न चैनल्स पे अपीयर नहीं होते रहे, या जिस टेलीविज़न चैनल में अपीयर होते थे उसके इश्तिहार बंद करा दिया करते थे? क्या डॉक्टर साहब के ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, जगह जगह टॉक्स हो रही हैं, इसके पीछे एडवर्टाइजमेंट नहीं है? क्या इसके पीछे स्पॉन्सर्स नहीं है? क्या स्पॉन्सर्स का पैसा नहीं लगा हुआ? क्या इन इवेंट्स से कुछ लोग पैसा नहीं कमा रहे? क्या डॉक्टर साहब को जो लोग बुलाते हैं फैसिलिटेट करते हैं उसके पीछे वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड प्रॉफिट मेकिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती? बहरहाल डॉक्टर साहब जो हैं वो ऑफकोर्स वो पोज ये कर रहे हैं कि उनको इन तमाम चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता। इसमें एक चीज़ देखिए कि डॉक्टर साहब का अपना एक बड़ा थ्राइविंग किस्म का यूट्यूब चैनल है जो 2011 से चल रहा है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, जिस पर 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, अब ये खाली यूट्यूब चैनल नहीं है, अगर आप इसके दूसरे पेज में जाएं तो आप देखेंगे इसमें दर्जन से ज़्यादा और भी ऐप्स के लिंक्स हैं, जिसमें ट्विटर भी है, जिसके अंदर फेसबुक भी है, जिसके अंदर इंस्टाग्राम भी है, जिसके अंदर टिकटॉक भी है, और ऐसी ऐसी ऐप्स हैं जो मुझे पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करती हैं।
और डॉक्टर साहब इस नादानी या मासूमियत का मुजाहरा कर रहे हैं कि हम सब लोगों को ये बिलीव कर लेना चाहिए कि ये सारा का सारा जो ऐप स्ट्रक्चर है ये एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अगर डॉक्टर साहब थोड़ी सी भी रिसर्च करते तो उनको पता चलता कि ये जितनी भी ऐप्स हैं ये सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों को और आइडियाज़ को मार्केट करते हैं। बढ़िया भाई, पहले से ही पाकिस्तान के बहुत अच्छे हाल आते हैं ना, पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे, और दूसरी तरफ अब ये जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो यूट्यूब छोड़ देंगे तो वो भी बेचारे भीख मांगने के लिए जाएंगे सऊदी अरब यूएई वगैरह। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए वैसे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जैसे कि शायद आपको पता होगा, ये जाकिर नायक ने इंडिया की बहुत बड़ी तारीफ करी थी, पाकिस्तान में खड़े होकर हिंदुओं की बहुत तारीफ करी इसने, तो इसको लेके भाई पाकिस्तानियों की कैसी जली हुई है आप खुद देखें। आपने एक बात और कही कि जो मोदी साहब हैं वो बुरे हैं, लेकिन इंडिया में रहने वाले जो हिंदू भी हैं वो आपको प्यार भी करते हैं और वो अच्छे हैं। तो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मुझे यहाँ परेशानी हो गई है पाकिस्तान। तो मैं एक बात सिर्फ आपको करना चाहता हूँ कि मोदी साहब का या इंडिया के जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उन्हीं का ये अक्स है, ये मसनूई चेहरा है मोदी साहब जो हैं, ये वो इंतहा पसंद हिंदू हैं जिन्हें उन्होंने तीसरी बार वजीर आजम बनवाया है। तो वो कैसे अच्छे हो सकते हैं जो एक ऐसे शख्स को जिसको आप खुद बुरा कह रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं मैं भाई साहब, ये जाकिर नायक ना जलील होके आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी इतने जले भुने पड़े हैं इस समय कि यार इंडिया की तारीफ कैसे कर दी इसने, हिंदुओं की तारीफ कैसे कर दी भाई यहाँ पे आके। पर इन पाकिस्तानियों को पीएम मोदी को लेके ऐसी जली हुई है भाई, इनकी ठोके रखी है ना पाकिस्तानियों की, तो इनकी जलना स्वाभाविक है। और लास्ट में जाकिर नायक के लिए भाई एक और मैसेज, भाई जितना जल्दी हो सके निकल ले, पतली गली से निकल ले, वहां पे कोई भी सेफ नहीं है, सर तन से जुदा कब के कब कब नारे लग जाए जाकिर नायक का नाम लेके, कुछ नहीं पता पाकिस्तान का भाई, ये पाकिस्तानी अपने लोगों को नहीं छोड़ते। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है भाई, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट भी जरूर करनी है आपको, और दोस्तों के साथ में शेयर भी करनी है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।